आज के इस वीडियो में आपको शाहरुख खान और आर्यन खान के केस की अपडेट बताने वाले हैं। कैसी अपडेट, जो कि वाकई लोगों के और तमाम इंडिया के होश उड़ा गया है। ऐसी अपडेट जिसमें मन्नत यानी कि शाहरुख खान के रेजिडेंस पर, जहां पे शाहरुख खान रहते हैं और पूरी की पूरी फैमिली रहती है, उस घर को मन्नत बोला जाता है, उस पर रेड की गई। और ये रेड बहुत ज्यादा अचानक से की गई, जब शाहरुख खान इस वक्त अपने बेटे को मिलने, आर्यन खान को मिलने जेल पहुंचे थे। वो जेल की मुलाकात सिर्फ 10 मिनट की थी, उस दौरान में ही मन्नत को टारगेट किया गया और उसमें रेड की गई। और एनसीबी का कहना था कि हमने मन्नत को टारगेट करने का, उसको रेड करने का, इसकी तलाशी लेने का बहुत अरसे से सोच रहे थे। जब से आर्यन खान हमारी कस्टडी में थे, तब से हम चाह रहे थे कि हम आर्यन खान के रूम की बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से चेकिंग करें। हम देखें कि आखिरकार आर्यन खान इस धंधे में कब से मुलव्विस थे, किन किन के साथ उन्होंने मिलकर ये सारा काम किया। और आखिरकार अगर यहाँ पर अनन्या पांडे का नाम आया है, चंकी पांडे का नाम आया है और बहुत सारी ऐसी अदाकाराओं का नाम आया जो कि सेलिब्रिटीज में या फिर बॉलीवुड की दुनिया में मशहूर है, उनको आर्यन कंजप्शन देते भी हैं, ड्रग उनके साथ कंज्यूम भी करते हैं और इनको सोल्ड आउट या बेचने का कारोबार आर्यन खान कितने अरसे से कर रहे हैं, क्योंकि आगे आगे बहुत ज्यादा सबूत पक्के होते जा रहे हैं आर्यन खान के खिलाफ और शाहरुख खान के, इनके शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ, कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जो है वो पूरी इंडस्ट्री को ड्रग्स वगैरह बेचते फिरते हैं, जबकि शाहरुख खान को इस बात का इलम भी नहीं था। व्यूअर्स, आपको मन्नत में होने वाली एक बहुत ही बड़ी रेड का बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।